एसपी सुशील कुमार की टीम ने शराब तस्करों को बड़ी चोट दी है। मुजफ्फरपुर के एक तस्कर के साथ कुल 5 तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस को यह सफलता गढ़हनी थाना क्षेत्र के सहंगी रोड पर मिली है। एसपी सुशील कुमार को पहले ही सूचना लग गई थी कि इस स्थान पर शराब रखा गया है। इसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 53 पेटी अंग्रेजी शराब कुल 467 लीटर के साथ दिनेश पासवान, विक्की पासवान दोनों गढ़हनी थाना क्षेत्र के बराप, पीरो थाना क्षेत्र के जसीडी निवासी राम बिहारी राम, बैसाडी निवासी सुनील राम एवं मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के उर्की गांव निवासी मोहम्मद हलीम को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। एसपी सुशील कुमार ने एसपी कार्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा गठित टीम ने छापेमारी की है, जिसमें मद निषेध कोषांग विभाग के प्रभारी श्रीकांत राम, डीआईयू टीम के प्रभारी ललन कुमार, अग्याम अंचल के निरीक्षक निर्मल कुमार, गढ़हनी थाना अध्यक्ष साजिद हुसैन, डीआईयू प्रभारी संजय कुमार सिन्हा, डीआईयू के आरक्षी शिव कुमार, गोपाल कुमार राय, पप्पू कुमार, रविंद्र रजक, मनोहर लाल, मिथिलेश प्रसाद को शामिल किया गया था। टीम ने बेहतर काम किया है और तस्करों को धर दबोचा। जो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, जल्द ही उन्हें दबोच लिया जाएगा। मिली थी लेट नाइट की गढ़हनी थाना का जो सहमी इलाका है बराप रोड, वहाँ पर कुछ बाहर से लाई गई शराब और स्थानीय लोगों और कुछ बाहर के भी शराब के व्यवसायी वहाँ जुटे हुए। इस सूचना पर डीआईयू के हमारे जो इंचार्ज हैं एंटी लिकर टास्क फोर्स के श्रीकांत राम जी और उनके साथ टाउन इंस्पेक्टर और हमारे डीआईयू के जो ऑफिसर्स हैं जो इंस्पेक्टर हैं और बाकी सब इंस्पेक्टर, इनकी टीम बनाई गई और इस टीम ने छापा मारा और छापा मारने के बाद कुल 5 लोग पकड़े गए और इनके पास से कुल 53 पेटी, जिसका पूरा अगर हम वॉल्यूम देखें तो 467 लीटर शराब पकड़ी गई है, जो इम्पीरियल ब्लू शराब है और हरियाणा में खपाई जाने के लिए निर्मित थी, लेकिन ये शराब यहाँ आई थी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 अपराध कर्मी जो पकड़े गए हैं वो तो यहाँ हैं, हमारे ज़िले के हैं। एक इसमें इसका जो मेन लाइनर था, जो लाने का काम करता था बाहर से, वो भी पकड़ा गया है। वो मीनापुर थाना क्षेत्र का मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, मोहम्मद हलीम। तो हम लोग इसके जितने पुराने लिंकेजेज हैं और आगे ये कहाँ कहाँ सप्लाई होना था ये सब ट्रेस कर रहे हैं और बाकी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियाँ जल्दी होंगी और ये शराब कहाँ से चली थी और कैसे यहाँ तक पहुँची है इस पर भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और जल्दी ही इसका भी खुलासा।